पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप काइंडली मुझे हैंड रेज करके बता दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो गया, रेज योर हैंड्स। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कल का जो लेक्चर है होपफुली आप लोगों ने सबने देख लिया होगा, उसके अंदर हमने रेडिकल इंजरी के हवाले से बात की थी, और रेडिकल इंजरी के हवाले से ये एक पिक्चर है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। जी कोई कुछ कह रहा है? माइक स्विच ऑफ करें बेटा। हाँ जी, तो हम जो बात कर रहे हैं वो सेल इंजरी के हवाले से बात कर रहे हैं। सेल इंजरी में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो सेल होता है उसके अंदर यूजुअली रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। अच्छा, रेडिकल्स जो नॉर्मल तरीके से बन रहे होते हैं वो आपको मैंने बता दिया था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस है उसके अंदर जो है रेडिकल इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आपका जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाए ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन का, और उसकी उस ऑक्सीजन की जो है वो सप्लाई मतलब यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से ना हो रही हो और ऑक्सीजन ज्यादा ब्रेक हो रहा हो तो उसके नतीजे में जो है रेडिकल इंजरीज हो सकती है। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि किसी भी किस्म की रेडिएशन हो जाए, कोई टॉक्सिन हो जाए, या फिर रिपरफ्यूजन हो जाए। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी कि रिपरफ्यूजन के नतीजे में सेल्यूलर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसके अंदर भी बहुत सारे चांसेस हैं रेडिकल इंजरी होने के। अच्छा जी, रेडिएशन, टॉक्सिन्स और रिपरफ्यूजन के नतीजे में भी आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के रेडिकल्स बन सकते हैं, और वो रेडिकल्स जो डैमेज करेंगे वो हम कल डिस्कस कर चुके थे, लाइक लिपिड परऑक्सीडेशन हो गई, लिपिड परऑक्सीडेशन हो सकती है, प्रोटीन मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, मिसफोल्डिंग्स हो सकते हैं, डीएनए डैमेज हो सकता है, और इसके नतीजे में जो म्यूटेशंस होंगी वो अल्टीमेटली लीड करेंगी आपको रेडिकल इंजरीज के ऊपर। अच्छा, इसके बाद फिर ये हमारा जो कल का टॉपिक था इसकी एक दो चीजें रह गई थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके बाद अब हमारे पास जो है वो जो है क्या कहना चाहिए, हम आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक जो है हमारा वो है अल्कोहलिक लिवर डिजीज या फैटी चेंजेस। अगेन ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर तो इसकी जो चेंजेस हैं वो प्रॉपर तरीके से डील कर ली जाती हैं तो फिर जो है वो या जो पॉजिटिव एजेंट है उसको रिमूव कर दिया जाता है तो ये जो इंजरी है ये रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर उसी चीज को कंटिन्यू रखा जाए, उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा जाए तो उसके नतीजे में क्या होगा कि फिर लिवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। उसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन है वो आज करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि जब हम लिवर डिजीज की बात करते हैं या हम फैटी लिवर की बात करते हैं इसका मतलब ये होगा कि जो डैमेज हो रहा है वो डायरेक्ट लिवर के अंदर ही हो रहा है, बाकी बॉडी के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो उस वक्त आएगा जब जो लिवर है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करना रोक देगा, तब जाके जो है वो बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। ये भी आप लोग जानते हैं कि लिवर की जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ज्यादा है, और आमतौर पे लिवर आखिरी वक्त तक जो है वो उस डैमेज को सस्टेन करता है और किसी भी किस्म के कोई बैड सिम्टम्स नहीं आने देता बॉडी के अंदर के जब तक कि उसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो 1/10 रह जाती है। अगर तो 1/10 रह गई है तो फिर जाके लिवर की जो डैमेज होती है उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, वरना अदरवाइज जो है वो आपका जो लिवर है वो सिम्टम्स नहीं दे रहा होता किसी भी किस्म की डैमेज के। अच्छा, अगेन जब हम अल्कोहल, अच्छा जब हम जब लिवर डिजीज की बात करते हैं तो जो सबसे मेजर फैटी लिवर का कॉज है
वो अल्कोहल कंजम्पशन है, ठीक है। आपको मालूम है हमारे मजहब में अल्कोहल कंजम्पशन को अलाउ नहीं किया गया। वजह उसकी बहुत सारी हो सकती हैं, जो कि सोशल और बहुत सारे जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम जो है अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें। जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक जो है तीन मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आती हैं, कभी कभी इंडिविजुअली आ सकती हैं, लेकिन ऑल टुगेदर अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस अल्कोहलिक लिवर डिजीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर वन, हेपेटिक स्टीटोसिस, ठीक है, जिसको हम आसान अल्फाज में फैटी लिवर भी कहते हैं, ठीक है जी। अगर अल्कोहल कंजम्पशन कंटिन्यू रहता है तो उसके बाद फिर आपके पास आता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और अगर उसके बावजूद भी जो है वो अल्कोहल कंजम्पशन कंटिन्यू रहता है और जो डैमेज का प्रोसेस है वो जो है वो प्रोग्रेस करता है, तो इसके नतीजे में आपको मिलता है फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर विच अल्टीमेटली लीड टू सिरोसिस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक पिक्चर शेयर करती हूं मैं आपके साथ, उसको पहले देख लेते फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये पिक्चर शेयर हो गई है तो हैंड रेस कीजिए। आपको लिवर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये इस पिक्चर को हम देखते हैं थोड़ा सा गौर से, तो पहले तो आपको सबसे पहले नॉर्मल लिवर नजर आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हो रहा है कि जब आपका नॉर्मल लिवर है यानी आप नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, सब कुछ है, अल्कोहल का एक्सपोजर होता है, अल्कोहल के एक्सपोजर के नतीजे में जो इनिशियल चेंजेस आती हैं वो है फैटी चेंज, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो फैटी चेंज है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि फैटी चेंज जो है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी है। अगर तो पेशेंट को पता चल जाता है कि उसके जो लिवर फंक्शंस हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो रहे हैं, यूजुअली नहीं पता चल रहा होता क्योंकि फैटी लिवर में लिवर के नॉर्मैलिटी के सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। अगर किसी और कंडीशन के नतीजे में अल्ट्रासाउंड कराया है तो फैटी लिवर पता चल जाएगा, या कोई और टेस्ट कराए हैं ज्यादा जो मतलब डिफरेंट स्कैन्स हो गए, अगर वो स्कैन्स कराए हैं उनसे अगर पता चलता है कि जी फैटी चेंजेस आ रही हैं लिवर के अंदर, तो फिर आपको अंदाजा हो सकता है, ठीक है। अगर तो वो हो गया है और आपको पता चलता है कि जी फैटी चेंज आ रहे हैं एंड देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, तो फिर उस सूरत में अगर तो अल्कोहल कंजम्पशन को खत्म कर दिया जाएगा और एब्स्टिनेंस आएगी तो लिवर विल गो बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर अगर आप देखें इसी को, अगर तो ये चीज कंटिन्यू होना शुरू हो जाए और पेशेंट जो है वो सिवियर एक्सपोजर के ऊपर चला जाए तो हेपेटाइटिस की कंडीशन आती है, और इस हेपेटाइटिस के नतीजे में जो है वो लिवर की सेल में नेक्रोसिस होती है, उस नेक्रोसिस के नतीजे में इंफ्लेमेशन होती है, उस इंफ्लेमेशन के नतीजे में मैलरी बॉडीज बन सकती हैं, फैटी चेंजेस आएंगे। ये तमाम चीजें आपको हेपेटाइटिस के अंदर मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो जैसे स्टीटोसिस है, अगर तो अल्कोहल का सिवियर एक्सपोजर हो रहा है तो ये सिवियर एक्सपोजर विल लीड टू हेपेटाइटिस, या तो स्टीटोसिस से हेपेटाइटिस की तरफ जाएंगे, या फिर डायरेक्ट ये भी हो सकता है कि अगर एक बंदा है उसने सिवियर एक्सपोजर किया तो फैटी चेंजेस तक की बात ही ना पहुंचे, डायरेक्ट हेपेटाइटिस के सिम्टम आने शुरू हो जाए। ये दोनों चीजें पॉसिबल है। अच्छा, ये जब हो चुका तो उसके बाद प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि अगर तो हेपेटाइटिस
हो गया है पेशेंट को और उसके बावजूद वो लिवर मतलब जो अल्कोहल जो एक्सपोजर है उसको कम नहीं कर रहा या फैटी लिवर में कंटिन्यूसली एक्सपोजर दे रहा है और बहुत लंबे अरसे तक एक्सपोजर हो रहा है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है। अच्छा, ये जो सिरोसिस ऑफ लिवर है, अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर को गौर से देखें तो क्या हो रहा है, जैसे हमने बात की कि हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। अच्छा, उसके नतीजे में ऑब्वियसली जब इन्फ्लेमेशन होगी तो सेल्यूलर डैमेज होगी तो सेल का नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस होने के नतीजे में क्या होता है कि जब क्रॉनिक नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाती है तो फिर क्या हो रहा होता है, रिपीटेड इन्फ्लेमेशन फिर हीलिंग फिर इन्फ्लेमेशन फिर हीलिंग। उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके जो है वो जो हीलिंग का जो प्रोसेस होता है तो उसमें फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन शुरू हो जाती है। अब ये जो फाइब्रस टिश्यू की जो डिपोजिशन है ये क्या करती है, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू फाइब्रोसिस ऑफ द टिश्यू। अब ये जो फाइब्रोसिस है इसके नतीजे में क्या होता है कि, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जब भी फाइब्रोसिस होती है तो उसके बाद जब जख्म पूरा हील हो जाता है तो फाइब्रस टिश्यू जो है वो श्रिंक होता है, ठीक है जी। अब उस श्रिंकेज के नतीजे में क्या होता है कि जो जिस टिश्यू के अंदर फाइब्रोसिस हुई है उस टिश्यू में छोटे छोटे से एक समझ लें उभार से बन जाते हैं, ठीक है। अब अगर रिपीटेटिव एक्सपोजर होता है फाइब्रोसिस का तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि लिवर का टिश्यू जो है वो एक तरह से जैसे चुरमुराया वैसा हो जाएगा और उसके नतीजे में क्या होता है कि जहां जहां फाइब्रस टिश्यू है वहां तो फाइब्रस टिश्यू है लेकिन जहां पे जो नॉर्मल पोर्शन था जो लिवर का वो नोड्यूल्स के फॉर्म में आ जाता है। तो सिरोसिस या फाइब्रोसिस के नतीजे में लिवर टिश्यू जो है वो आधा तो डैमेज हुआ है और जो रिमेनिंग फंक्शनल पार्ट है उसके नोड्यूल्स बन गए। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि आपका जो लिवर है वो ऑल टुगेदर जो है अपनी फंक्शनल कैपेसिटी लूज अप करना शुरू कर देता है। अब जब ये सिचुएशन आती है तो फिर आपको जो है वो सिम्टम्स आते हैं लिवर फेलियर के, और वो बिल्कुल चूंकि जैसे मैंने आपको बताया जब तक के लिवर की 10% फंक्शनैलिटी ना रह जाए उस वक्त तक लिवर डैमेज के सिम्टम्स नहीं आते, तो नेट रिजल्ट ये निकलता है कि अल्टीमेटली पेशेंट को जो है वो सर्जरी करके जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ रहा होता है, क्योंकि अगर तो लिवर ट्रांसप्लांट नहीं किया तो पेशेंट की लाइफ जो है उसके उसको सेव करने के लिए कोई चांसेस बच नहीं रहे होते, ठीक है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म हमेशा से एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है। अच्छा, अब जब ये जो लिवर है इसकी प्रॉब्लम शुरू होती है ऑब्वियसली उसके नतीजे में बाकी की जो बॉडी है वो भी नॉर्मल नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि लिवर बहुत मेजर जो फंक्शन है मेटाबॉलिज्म का वो परफॉर्म करता है, तो अगर तो वो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में नहीं हो सकेगा तो हमारी बॉडी को ना तो न्यूट्रिशन मिल सकेगा, ना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट हो सकेगा, ना ही कोई और जो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दवाएं हैं उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं निकलेंगे, यूरिया साइकिल नहीं हो पाएगी क्योंकि लिवर के अंदर ही होती है, यूरिया अमोनिया का जो एक्सक्रीशन है वो नहीं हो पाएगा। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, अमोनिया इंटॉक्सिकेशन मे अल्टीमेटली लीड टू मेंटल डिसऑर्डर्स एज वेल। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एक मतलब एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स है जो शुरू हो जाता है विच अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी याद रखने वाली है कि अगर तो सिरोसिस के बाद भी पेशेंट जो है वो बहुत ढिटाई पर कार्बन है और अपनी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं कराता और कंटिन्यूस एक्सपोजर जारी रखता है तो यहाँ से जो हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक चीज है जो कि ध्यान में रखने की जरूरत है। अब मैं आपके साथ फिर दूसरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 2 मिनट रुक जाइए और जब शेयर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हैंड रेज कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम जो है बात कर रहे हैं जैसे मैंने बात की कि हेपेटिक लिवर डिजीज, हेपेटिक स्टिटोसिस की बात की हमने, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की बात की और फाइब्रोसिस की बात की। यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया कि एक के पीछे एक भी आ सकती हैं ये बीमारियां, और कभी कभी ये होता है कि इंडिविजुअली इनमें से कोई भी चीज मतलब समझ लें कि स्टिल्थ कंडीशन है, छुपा रहा कंडीशन, छुपी रही, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम पता ही नहीं चला, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहा, एंड में जब जाके एंड में जब उसकी तमाम लिवर फंक्शंस अफेक्ट हो चुके उसके बाद जाके पता चला कि जी पेशेंट को तो सिरोसिस हो चुकी है और जो है लिवर है वो ऑलमोस्ट काम करना बंद कर चुका है। तो इस तरह की चीजें काफी हो जाती हैं, तो इनका ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है।
अच्छा, इसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि आमतौर पे जो हैवी ड्रिंकर्स होते हैं, अब किनको ये चीजें हो रही हैं वो देखने वाली बात है। तो आपके जो हैवी ड्रिंकर्स होते हैं, अब अच्छा हैवी ड्रिंकर्स जो हैं उसके लिए जो इन्होंने जो लिमिट रखी है वो इस तरह से है कि जी 80 प्रूफ अल्कोहल कहलाता है कोई, और इस 80 प्रूफ अल्कोहल का मतलब है 40% डाइल्यूटेड अल्कोहल। ठीक है जी, अब ये जो 40% अल्कोहल है इसका जो एक्सपोजर है यानी 8 to 9 बियर के मग्स हो गए या 8 to 9 ounces ऑफ वाइन या विस्की। ठीक है, अगर तो इस तरह की कोई चीज का एक्सपोजर पर डे के हिसाब से हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं कि यूजुअली जो एक जो विस्की का जो ग्लास होता है उसके अंदर जो एक सर्विंग होती है वो 2 ounces की होती है। तो इसको अगर हम देखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से 8 to 9 ounces की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूं समझ लें कि विस्की के 4 glasses हो गए, बियर के 8 glasses हो गए। अगर तो इतना डेली का एक्सपोजर पेशेंट का हो रहा है तो उसको हैवी ड्रिंकर की तरफ लेके जाएंगे, ये थोड़ा सा जो है वो क्या कहना चाहिए कि खतरे का निशान है। इस तरह के जो हैवी ड्रिंकर्स होते हैं इनको सबसे पहले फैटी चेंज आती है और वो तकरीबन 80 to 90% पेशेंट में आती है। यानी जितना मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर तो इतना एक्सपोजर पेशेंट का हो रहा पर्सन का हो रहा है अल्कोहल का डेली बेसिस के ऊपर, तो 80 to 90% जो लोग होते हैं वो फैटी लिवर तो फौरन ही डेवलप कर लेते। इसके बाद फिर इन 80 to 90% में से 10 to 35% लोग जो होते हैं उनमें हेपेटाइटिस जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर यहां पे एक्सपोजर को कम कर दिया तो स्लाइट फंक्शनल एबनॉर्मैलिटी के बावजूद लिवर फंक्शन वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया और कंटिन्यू रखा इस चीज को, हेपेटाइटिस के सिम्टम्स आने के बावजूद भी कंटिन्यू रखा इस बात को, तो फिर इनमें से 80 to 20% जो लोग होते हैं वो डेवलप करते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। और 8 to 20% जो लोग होते हैं इनमें से 10 to 20% लोग, मैं बाकी 80 to 90% में से नहीं 20% निकाल रही हूं, मैं 8 to 20% जो पेशेंट्स हैं उनमें से उनका उसका 10 to 20% निकाल रही हूं, यह डेवलप करते हैं क्रॉनिक अल्कोहलिक एक्सपोजर के ऊपर हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा। अब अगर यहां तक कोई सवाल है तो हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है या आगे कंटिन्यू करा जाए? अच्छा, अगर तो सवाल नहीं है, जैसा कि अब मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पास सवाल नहीं है, तो हम इसको आगे की तरफ कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे जो हमें इसको कंटिन्यू करना है तो उसमें फिर अब किसी बात जो है, यहाँ पे एक चीज और जो मुझे आपको बतानी थी वो ये है कि कहा यह जाता है कि अगर तो आपने 80 proof का अल्कोहल अगर आपने लिया है और 1 to 2 ounce अल्कोहल लिया है तो हमारी बॉडी को उसको मेटाबोलाइज करने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है कि जो लाइटेस्ट जो अल्कोहलिक जो ड्रिंक समझी जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है कोई मुझे करेक्ट करा दे, जो जहां तक मेरी अपनी जो नॉलेज है उसके मुताबिक अगर
जो है बियर को सबसे हल्का समझा जाता है, और फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वोडका, विस्की एंड फिर शैंपेन जो है वो मतलब उसकी जो 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 स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाती है, जहां तक मेरा ख्याल है। अब हो सकता है कि ये सा ख्याल गलत भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसा है तो उसमें कहा यह जाता है कि जो सबसे लाइटेस्ट स्ट्रेंथ का है एल्कोहल, उसमें जो 2 ounces का एल्कोहल एक्सपोजर है वो 1 घंटे में मेटाबोलाइज होता है। तो लाइक वाइज जितना एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से टाइम बढ़ाते चले जाएंगे, तो उसी हिसाब से घंटे बढ़ते चले जाएंगे। अगर तो 8 to 9 ounces का जो एल्कोहल एक्सपोजर है, ऑब्वियसली वो 4 to 5 घंटे लेगा मेटाबोलाइज होने में। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो लिवर है वो तो इसी काम में लगा हुआ है ना, तो बाकी के फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, तो ये एक मसला है। अच्छा, अब जब मेटाबॉलिज्म के हवाले से बात करते हैं, जो अब हमें बेसिकली बात करनी है पैथोजेनेसिस की, आखिर वो कैसे रहेगी सारा काम। पैथोजेनेसिस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आपका जो एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म है वो 2 enzymes हैं जो कर रहे होते हैं, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंड एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है तो ऑब्वियसली बात है ये इसका जो जो काम है इन एंजाइम्स का जो काम है, ये साथ में जो कोफैक्टर बनाते हैं, इसका जो कोफैक्टर बनता है वो है NADH। अच्छा, NADH जो है वो ये कोफैक्टर है जो एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जब एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म करता है तो ये NADH एज अ कोफैक्टर प्रोड्यूस होता है। ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा तो कोफैक्टर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अपनी रिक्वायरमेंट से जब ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो ये क्या करता है कि ये करता ये है कि जो भी सबस्ट्रेट आ रहा होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म, आपके जो फूड पार्टिकल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए जिनको मेटाबोलाइज होना है, एनर्जी प्रोडक्शन में जाना है, उनको ये शंट करता है टूवर्ड्स एल्कोहल बायोसिंथेसिस, सॉरी फैट बायोसिंथेसिस। फैटी बायोसिंथेसिस की तरफ जो है ये शंटिंग शुरू कर देता है NADH। ठीक है जी, अब हो क्या रहा है कि लिवर के अंदर आपको मालूम है कि फैटी बायोसिंथेसिस का मैकेनिज्म मौजूद है। लिवर के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी होती है, फैट की सिंथेसिस भी होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो फैट की सिंथेसिस है वो बढ़ जाती है। चलो अच्छी बात है कि जी साथ में फिर लाइपोप्रोटीन्स बनने शुरू हो जाएंगे और बॉडी को फैट की सप्लाई अच्छी हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। उसकी जगह क्या होता है कि ये जो फैटी बायोसिंथेसिस हो रही है ये तो एक मसला है, लेकिन दूसरा मसला क्या है कि यही जो काम जो सेकंड, ये तो पहला काम हो गया ना, तो दूसरा काम है वो ये करता है कि आपका जो लिवर है जो कि इन बिटवीन मील्स लाइपोप्रोटीन बनाता है, ये इनहिबिशन करता है ऑफ लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, आपको याद रखने की जरूरत है कि लाइपोप्रोटीन्स आपके पास 4 तरह के होते हैं, फाइलोमाइक्रॉन्स, LDL, VLDL एंड HDL। ये तमाम डिटेल्स आपको मालूम है, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाह रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है वो ये बतानी है कि काइलोमाइक्रॉन्स GIT में बनते हैं, ऑब्वियसली उनकी फॉर्मेशन पे या उनकी सिंथेसिस के ऊपर ये यहाँ पे एल्कोहल का कोई रोल नहीं है। LDL सर्कुलेशन में बनता है, HDL भी सर्कुलेशन में रहता है, इसके ऊपर लेट इफेक्ट आएगा, लेकिन इन बिटवीन मील्स यानी आपके जो सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना है उसके बाद जो 2 घंटे के बाद जब आपका जो भी डायट्री मटेरियल है वो यूटिलाइज हो चुका है, तो उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम होता है दरमियान में जब तक कि आप कोई नया मील लें, उस वक्त तक आपका जो लिवर है जैसे ब्लड के ग्लूकोज को मेंटेन करता है, इसी तरह से ब्लड में लाइपोप्रोटीन्स को भी मेंटेन करता है, क्योंकि आपके सेल्स को कंटिन्यूसली फैट की जरूरत होती है।
तो वो जो लाइपोप्रोटीन है VLDL की फॉर्म में लिवर सिंथेसाइज करता है। अब ये जो लिवर से सिंथेसाइज हो रहा है VLDL, वो ऑब्वियसली फैटी बायोसिंथेसिस के बाद होना चाहिए। उसूली तौर पे फैटी जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, फैटी बायोसिंथेसिस होगी, VLDL बनेगा और उसके बाद सर्कुलेशन में ये VLDL चला जाएगा और बॉडी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। ठीक है, लेकिन जब आपका NADH बन रहा होता है तो वो इस मैकेनिज्म को रोक देता है। ठीक है जी, होता क्या है उसके नतीजे में, फैटी बायोसिंथेसिस हो तो रही है लेकिन VLDL की फॉर्मेशन नहीं हो रही, और VLDL की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो सर्कुलेशन में नहीं जा रहा, सर्कुलेशन में नहीं जा रहा तो बॉडी की नीड्स फुलफिल नहीं हो रही लिपिड की। अब इसके नतीजे में होगा क्या कि ये जो फैट है, चूंकि बन तो बहुत ज्यादा रहा है लेकिन ये बाहर तो जा नहीं रहा, तो क्या होगा, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, सेल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इट लीड्स टू सेल्यूलर फैटी डिपॉजिट्स विच आर नोन विच विल अल्टीमेटली लीड टू फैटी लिवर। कोई सवाल? किया था वहां तक अगर आप लोगों को समझ आ गई तो काइंडली हैंड रेस कीजिए, या कोई सवाल है तो भी पूछ ले। ओके, आगे चलते हैं। तो इसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जो जो बीमारी है या जो जो उसकी जो कंडीशन है, जैसे मैंने कहा कि अगर तो ये पूरा जो अल्कोहल का एक्सपोजर है ये कंटिन्यू चलता रहता है, तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस आ जाता है। मतलब बेसिकली हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। ठीक है, अब ये वायरल भी हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी की ये जो पूरी सीरीज है वो वायरल हेपेटाइटिस की सीरीज है। लेकिन इसके अलावा ये भी होता है कि कंटिन्यूस जो अल्कोहल एक्सपोजर के नतीजे में कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट होता है और उसके नतीजे में फिर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है। अगेन बुक में लिखा हुआ है कि कॉज ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस इज अनसर्टेन बट इट मे स्टेम फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली इथेनॉल जब आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज हो रहा होता है तो उसके नतीजे में क्या हो रहा होता है, एसिटाल्डिहाइड बन रहा होता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एसिटाल्डिहाइड जो बन रहा है, जो कि वो कर क्या रहा होता है कि जी लिपिड को बनाने में बहुत मतलब लिपिड्स बनाने में हेल्प कर रहा होता है। दूसरी चीज ये कर रहा होता है कि जी लिपिड की परऑक्सीडेशन करा रहा होता है। लिपिड की परऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि लिपिड के अंदर रेडिकल फॉर्मेशन कर रहा होता है। अच्छा, जो हम कल रेडिकल फॉर्मेशन के हवाले से चीजें करके बैठे हैं, आपको मालूम है कि अगर तो लिपिड है और उसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल पॉलीअनसैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद है जिसमें डबल बॉन्ड्स हैं, उसकी परऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्पीड अप हो जाता है। तो वो जो चीज है, एसिटाल्डिहाइड इज अ मेटाबोलाइट ऑफ एल्कोहल मेटाबोलिज्म एंड दैट लीड्स टू द लिपिड परऑक्सीडेशन। और ऑब्वियसली लिपिड परऑक्सीडेशन के बाद फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिवर सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं या जो डिफरेंट ऑर्गेनिल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके साथ क्या होगा। ठीक है, अल्कोहल डायरेक्टली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को और मेम्ब्रेन की जो फ्लुइडिटी है उसको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली बात है कि फैटी डिपोजिशन जब बढ़नी शुरू हो जाएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा बन रहे होंगे, और जब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा बन रहे होंगे तो मेम्ब्रेन की जो फ्लुइडिटी है वो ऑब्वियसली अफेक्ट होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर तो ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो सेल मेम्ब्रेन या कोई भी ऑर्गेनेल है उसकी मेम्ब्रेन जो है वो हार्डन्ड हो जाएगी। ठीक है, ये जो मसला है ये डायरेक्ट अल्कोहल के एक्सपोजर से भी होता है। इसके अलावा
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जैसा कि आपको मालूम है इथेनॉल ऑक्सीडाइज, माइक्रोसोमल जो आपके पास जो मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज एंजाइम सिस्टम है लिवर का, वो इथेनॉल को जब ऑक्सीडाइज करता है तो उसके नतीजे में जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं, और वो ऑब्वियसली क्या करते हैं कि एक हल्का सा जो है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट करते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि जब वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट होता है तो न्यूट्रोफिल्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है टूवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन, सॉरी टूवर्ड्स दी लिवर टिश्यू। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो आगे अभी इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हमने वही करना है, दैट इज योर अक्यूट इन्फ्लेमेशन। उसमें इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि जब अक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी। अब जब वहां पे मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो वहां पे पस फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाता है टिश्यू। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि फिर वहां पे उस एरिया में जो लोकलाइज एरिया होता है जहाँ पे इंफ्लेमेटरी सेल्स मौजूद होते हैं वहां पे नेक्रोसिस शुरू हो जाती है, यानी सेल डेथ हो जाती है। अगर इस तरह से मल्टीपल जगहों पे इस तरह की चीजें होंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि मल्टीपल डैमेजेस लिवर टिश्यू को होंगे, और उसके नतीजे में किसी भी टाइम पे जो है वो लिवर अपनी उस फॉर्म में आ सकता है जिसको हमने डिस्कस किया था, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस, देन फाइब्रोसिस, एंड लास्ट ऑफ ऑल अगर तो वो फाइब्रोसिस कंटिन्यूस चलती है तो फिर वो सिरोसिस की तरफ भी जा सकता है। ठीक है जी, दिस वॉज अबाउट योर लाइक एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसके बाद फिर आपके पास अगर जो क्लिनिकल फीचर्स के हवाले से बात की जाए तो स्टिटोसिस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा जब फैटी डिपोजिशन होनी शुरू होती है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि सेल्स जो हैं वो फैट की मौजूदगी की वजह से भारी और बड़े हो जाएंगे। जब वो बड़े होंगे, जब सेल्स इंडिविजुअली बड़े होंगे तो ऑन द होल सेल्स के की जो भी चेंजेस आ रही हैं उसका ऑन द होल लिवर के भी जो जनरल मास है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा उसके नतीजे में कि आपको हेपेटोमिगेली मिलेगी। स्पेलिंग लिख लीजिए HEPATOMEGALY, हेपेटोमिगेली। अच्छा, हेपेटो अगेन हेपेटो मीन्स लिवर और मिगेली मीन्स इनलार्जमेंट। ठीक है, तो हेपेटोमेगैली का मतलब इन जनरल क्या हुआ, लिवर की इनलार्जमेंट, यानी लिवर का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा फिर आपको जो है अच्छा ये बात याद रखिएगा कि जब स्टिटोसिस की कंडीशन है तो लिवर फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे होते। ठीक है जी, और यही वजह है कि फैटी लिवर जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि आपके लिवर के अंदर डैमेजेस के का जो मैकेनिज्म है वो होना शुरू हो चुका है। इसके बाद फिर आपके पास आता है कि अच्छा यहाँ पे कहा यह जाता है कि 15-20 years तक अगर एक्सेसिव ड्रिंकिंग करता रहे बंदा तो उसके बाद सिरोसिस की कंडीशन आती है, लेकिन हेपेटाइटिस जो है वो महीना, डेढ़ महीना, दो महीने के अब्यूज के ऊपर आ जाती है। से फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने पहले कभी भी लिवर एल्कोहल का कंजम्पशन नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग होते हैं जो कि बचपन से ही अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे होते हैं, बॉडी उसकी आधी होती चली जाती है, किसी भी किस्म का कोई हार्श किस्म का रिएक्शन नहीं आता और बॉडी में स्टिटोसिस तो हो रहा होगा लेकिन जो है वो जो एकदम से जो एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आता है वो नहीं आएगा। लेकिन उसके मुकाबले में कोई बंदा है जिसको कोई इमोशनल ट्रॉमा के नतीजे में और उसने जो है वो एकदम से जो है वो बहुत ज्यादा एल्कोहल कंजम्पशन करना शुरू कर दिया, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि रिएक्टिव हेपेटाइटिस वाली कंडीशन होती है, तो महीना डेढ़ महीने के अंदर ही जो है वो पेशेंट को डैमेज शुरू हो जाती है। अब लोग इस बात पे हैरान होते हैं कि लोग तो सालों सालों पी रहे होते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया और अभी फौरन ही उनको डैमेज भी हो गई, तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो एकदम से बहुत ज्यादा लेना और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अडाप्ट करते चले जाना उसमें बहुत फर्क आ जाता है और उसकी वजह से क्लिनिकल फीचर्स जो हैं उनमें भी बहुत ज्यादा फर्क आता होता है। ठीक है जी, तो अल्कोहलिक सिरोसिस जो है वो यूजुअली 15 से 20 साल लगते हैं एक्सेसिव ड्रिंकिंग अगर करते रहे तो आएगी, लेकिन महीने डेढ़ महीने के अंदर ही जो है आपको हेपेटाइटिस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं हैवी ड्रिंकिंग के नतीजे में। पेशेंट को यूजुअली मलेज होता है, एनोरेक्सिया होता है, भूख नहीं लग रही होती, ठीक है, कमजोरी का एहसास हो रहा होता है, वेट लॉस होता है,
पेट का जो ऊपर का हिस्सा है उसके अंदर, यानी जो आप समझ लें कि जिसको हम हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कह रहे होते हैं, जो ऊपर का जो एरिया होता है जहाँ पे स्टमक का मुंह होता है जिसको हम यूजुअली कह रहे होते हैं, वहां पे डिस्कम्फर्ट यानी हर वक्त दर्द रहना, एक बेचैनी की कैफियत रहना अपर एब्डोमेन की साइड पे, वो रहता है। इसके अलावा जो राइट साइड पे जहाँ पे आपका जो लिवर वाली जो साइड है वहां पे हाथ रखने से दर्द होता है। तो इसका मतलब क्या है कि पेन नहीं है, टेंडरनेस है, यानी हाथ रखेंगे दबाएंगे तो दर्द होगा वरना नहीं होगा। और साथ में हेपेटोमेगैली है यानी लिवर का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, साथ में हल्का हल्का फीवर रहता है। अगर तो आप टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको बिलीरुबिन लेवल्स जो है वो एलिवेटेड मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा लिवर एंजाइम्स जो है डिफरेंट वो आपको एलिवेटेड मिलेंगे। यहाँ तक अगर कोई चीज है जो आप लोगों में किसी को समझ में नहीं आई है तो मुझे बता दीजिए, अगर समझ आ गई है तो हैंड रेस कर दीजिए। समझ आ गई है, हैंड रेस किया आपने, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी रिगार्डिंग योर फैट अल्कोहल कंजम्पशन। तो ये जो दो तीन जो पैथोजेनेसिस हमने किए, लाइक हाइपोक्सिया की पैथोजेनेसिस की है, फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के हवाले से पैथोजेनेसिस की है, फिर इसी तरह से हमने अल्कोहल की है फैटी लिवर की। अब इसमें जो दो जो कंडीशंस हैं, जैसे हमने बात की कि अगर तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है या हाइपोक्सिया होता है, तो आपको जो जो रिवर्सिबल सेल इंजरी मिलेगी वो सेल्यूलर स्वेलिंग होगी, ठीक है जी। लेकिन जब अगर अल्कोहल का कंजम्पशन हो रहा है और लिवर को डैमेज हो रही है तो उसके नतीजे में फैटी डिपॉजिशन होगी। तो दीज आर द टू पैटर्न्स ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी का कोई पैटर्न नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया 4-6 डैमेज के जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि जी ऑर्गेनेल्स का जो है वो डैमेज शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस का डैमेज शुरू हो जाता है, सेलुलर वॉल डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो ये अगर 3-4 चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि जी आपकी जो क्या कहना चाहिए, जो इंजरी है वो रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल की तरफ मूव ऑन कर गई है, ठीक है जी। अब इसके बाद फिर आपके पास आता है, एक मिनट में पहले स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ, उसके बाद फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। शेयर हो जाए तो हैंड रेस कर दीजिएगा। पेंट का स्क्रीन शेयर हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डैमेज का जो प्रोसेस है वो, जैसे हमने बात की कि जी रिवर्सिबल सेल इंजरी ऑन स्ट्रेस। इसके बाद अगर स्ट्रेस कंटिन्यू कर रहा है तो ये जाएगी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर फिर भी स्ट्रेस कंटिन्यू कर रहा है तो ये जाएगा सेल डेथ की तरफ। अच्छा, अब आपके पास जो सेल डेथ है उसके दो तरीके कार हैं। एक सेल डेथ कहलाती है एपोप्टोसिस, इसको एपोप्टोसिस भी कहा जाता है लेकिन यूजुअली एपोप्टोसिस कहलाता है, और दूसरी जो सेल इंजरी है वो नेक्रोसिस। दोनों में खासा फर्क है। एपोप्टोसिस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एपोप्टोसिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ जबकि नेक्रोसिस इज नॉन प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसको मैं एक टर्म यूज कर रही हूं, अभी तक कभी मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन आपको एक बात समझाने के लिए मैं ये टर्म यूज कर रही हूं कि हम इसको सेकेंडरी डेथ भी कह सकते हैं।
और इसको हम प्राइमरी, मैं आपको ये बात समझाती हूँ मैं ये वर्ड इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ, प्राइमरी सेल डेथ भी कह सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी और जो सेकेंडरी की टर्मिनोलॉजी हेल्थ साइंसेज में यूज होती है वो इस तरह से यूज होती है कि अगर कोई काम पहले से प्लान करके पहली मर्तबा में किया जाता है तो वो प्राइमरी है, किसी और फंक्शन के नतीजे में अगर एक काम होता है तो वो सेकेंडरी कहलाता है। मैंने एपोप्टोसिस को प्राइमरी इसलिए कहा कि सेल कंप्लीटली नॉर्मल होता है, सेल्यूलर चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, उसके नतीजे में एक प्रोग्राम्ड तरीके से सेल की डेथ का प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर सेल डेथ हो जाती है। यानी पहले से प्लान था, पहले से ही सेल का टाइम स्पैन पूरा हो गया था, उसको खत्म होना था, उसकी वजह से जो सेल डेथ हुई है उसको हम एपोप्टोसिस कह रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी डेथ का मतलब क्या है? सेकेंडरी टू समथिंग, सेकेंडरी टू सम काइंड ऑफ इंजरी, सम काइंड ऑफ डैमेज और एनीथिंग। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके जो कॉजेज ऑफ डिजीजेस हैं वो जो हमने सारे डिस्कस किए थे उनमें से अगर कोई एक कॉज है और उस कॉज के कंटिन्यूस रहने के नतीजे में पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, फिर भी वो स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ, तो उसके नतीजे में सेल अपनी पूरी कोशिश कर करा के लेकिन फिर वो कुछ नहीं कर सका, अपने आप को नहीं बचा सका और उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा? इट इज सेकेंडरी टू दैट कॉज ऑफ द डिजीज, तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेथ एंड दैट इज यूजुअली नोन एज नेक्रोसिस। क्लियर है ये बात? हैंड रेस कीजिए अगर नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस कोई पूछना चाह रहा है कुछ। मैम रिपीट कर दे, न्यूरोसिस से क्या चीज रिपीट करनी है बेटा? मैम ये जो नॉन प्रोग्राम और सेकेंडरी था आपने बताया। अच्छा, ये मैं बता देती हूँ। देखो, मैंने पहले प्राइमरी और सेकेंडरी का जो 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 एक कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करें। प्राइमरी का मतलब कह रहे हैं हम ऑन द फर्स्ट प्लेस, और सेकेंडरी का मतलब है आफ्टर समथिंग। ठीक है जी, ऑन द फर्स्ट प्लेस यानी पहली मर्तबा ही चीजें प्रोग्राम थी और उसके बाद कोई काम हुआ तो उसको आप प्राइमरी कहेंगे, और अगर तो चीजें प्लान नहीं थी, आपको प्लान बी के ऊपर जाना पड़ रहा है, तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी। यहां तक इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? जिसने सवाल पूछा था काइंडली बताओ मुझे, यहां तक इतनी सी बात क्लियर हो गई आपकी? यस और नो? ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जी एक टाइम था, से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आरबीसी जो है उनका टाइम स्पैन है 120 डेज का। इसका मतलब क्या हुआ? जिस दिन 120th डे कंप्लीट होगा उस दिन आरबीसी का की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो 120th डे के ऊपर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहे हैं, ठीक है जी, जो 120th डे के ऊपर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होंगे उनके नतीजे में सेल जो है वो पीसेस में शैटर हो जाएगा, और उसके बाद एक मखसूस तरीके से इसके जो टिश्यू डेब्रिसेस को रिमूव कर दिया जाएगा। दिस काइंड ऑफ डेथ, क्योंकि ये पहले से प्रोग्राम थी इस वजह से मैंने इसको प्राइमरी का नाम दिया, लेकिन एक्चुअल में इस प्राइमरी डेथ को हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। अब ये बात क्लियर है? Yes. ठीक है, सेकेंडरी का मतलब है आफ्टर समथिंग, यानी कॉज डेथ का कोई और है, डेथ होनी नहीं थी, अभी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन पीछे से किसी और कॉज के नतीजे में, से फॉर एग्जाम्पल हम आरबीसी ही की दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं, पेशेंट है, आपको मालूम है मलेरिया जो है, मलेरिया के अंदर क्या होता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आरबीसी के अंदर जाता है, आरबीसी का जो नॉर्मल शेप है, जो कि इस तरह का जो आरबीसी का नॉर्मल शेप है उसको खत्म करता है, आरबीसी को फुलाता है, और उसके बाद आरबीसी बर्स्ट हो जाता है। अब इसके लिए 120th डे होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आरबीसी अभी अभी सर्कुलेशन में आया हो, उसको सिर्फ 5 दिन हुए हो, ठीक है, वो अपने 5th डे के ऊपर ही बर्स्ट हो गया। किस वजह से बर्स्ट हो गया? मलेरिया की वजह से बर्स्ट हो गया। अब जो बर्स्ट हो गया तो इसका मतलब डेथ हो गई ना इसकी, तो दिस डेथ इज सेकेंडरी टू मलेरिया। ठीक है जी, अब ये क्या कहलाएगी? ये जो डेथ हुई है आरबीसी की, ये क्या कहलाएगी? नेक्रोसिस। इज दैट क्लियर?
बोलो बेटा। यस मैम।